पुलिस पर लगाया धाराओं में खेल करने का आरोप। बरेली हलवाई के साथ कुछ दबंगों ने की मारपीट, बीच बचाव करने आए उसके बेटे को गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक दिया, अन्य लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के दौरान धाराओं में खेल कर दिया है। पीड़ित ने SSP से न्याय की गुहार लगाते हुए सही धाराएं दर्ज करने की कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमन चौधरी। कहाँ रहते हो? बीसा नगर BIM पब्लिक स्कूल के सामने। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, हमारी समोसे की दुकान है किराए की और बराबर में प्रेस की दुकान है, वहाँ चार पांच लड़के आए, मतलब समोसे वमोसे खाए, मतलब खाए थे छोटे वाले भाई से खाए थे उन्होंने, और उनसे जब मेरे छोटे भाई ने पैसे मांगे समोसे के तो उन्होंने गाली गलौज करने लगे। वो कह रहे उन्होंने पैसे मांगे तो गाली गलौज करने लगे, वो कह रहे दो भी तेरी इतनी औकात तू हमसे पैसे मांगेगा। बस इसी बात पे लेके उन तीन लोगों ने, राजन ने, अशोक ने और राहुल ने, तीन लोगों ने पकड़ा उसे, गलती पढ़ाई में भाई को फेंका। तो मेरे पापा ने बोला क्यों मार रहा, तो मेरे पापा को फिर मारा। की घटना ये? ये दिनांक 2 तारीख की घटना, शाम को 6:30 बजे की। थाने गए थे? थाने गए, पर थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जज जल हुआ उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। आप साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कार्रवाई करते हैं। सड़क हादसे में एक वृद्ध महिला की मौत। बरेली भाई के साथ बाइक पर जा रही एक महिला को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला व उसके भाई को गंभीर रूप से चोट आई है। इलाज के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। थाना भुता के अर्जुनपुरा निवासी हुकुम सिंह की पत्नी 60 वर्षीय सुशीला देवी बीती रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद मृतक के परिजनों ने बताया कि सुशीला 27 दिसंबर को अपने भाई महेश के साथ जाने के लिए घर से निकली थी। जैसे ही उनकी बाइक बली अहमदपुरा गांव के पास पहुंची, तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महेश व सुशीला देवी को गंभीर रूप से चोट आई। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार होकर भाग गया। किसके लिए आए हो? माँ के लिए आए। क्या नाम है माँ का? सुशीला देवी। क्या हो गया था? कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? कहाँ जा रही थी? वहाँ से आ रही थी अहमदाबाद से। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? चापनी गाड़ी। गाड़ी को क्या हुआ? पकड़ गई गाड़ी? क्या गाड़ी तो नहीं पकड़ी गई थी उस टाइम, तो हम लोग बेहोश थे, मतलब अगला बंदा था वो हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। अच्छा, चार हॉस्पिटल में छः भर्ती रही है। कब मौत हुई इनकी? कब मौत हुई? मौत तो कल सुबह हुई है। मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने दो युवक को अवैध तमंचे से मारी गोली, एक घायल, एक की मौके पर मौत। बरेली थाना फरीदपुर के मोहल्ले में मामूली कहासुनी के विवाद को लेकर युवक ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अनुभव सक्सेना नगर पालिका परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर था। वहीं चेहरे पर छर्रे लगने से दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक प्रियांग शुक्ला का बीते दिनों ही दरोगा भर्ती में चयन हुआ था। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवा शुक्ला सहित तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि अनुभव सक्सेना अपने दोस्त प्रियांग शुक्ला के साथ रात 11 बजे खाना खाकर टहलने गया था। थाना फरीदपुर में मोहल्ला परा में मामूली कहासुनी के आधार पर जो है एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसकी जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है तथा उसके साथी को भी चोटें हैं जो साधारण किस्म की है। इसके संदर्भ में थाना फरीदपुर पर तीन लोगों के विरुद्ध जो है 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें दो व्यक्ति जो नामजद हैं वो पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई।